छतरपुर में सड़क हादसे में घायल हुई बेटी के उपचार के लिए पैसे लेकर अस्पताल आ रहा पिता भी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया और अब पिता और पुत्री दोनों जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मामला छतरपुर के बिजावर थाना क्षेत्र के ग्राम एरोरा का है। यहां के निवासी बैजनाथ अहिरवार ने बताया कि 25 दिसंबर को वह अपनी 4 वर्षीय बेटी तनु के साथ घर जा रहा था, तभी बेरखेरी के समीप जनपद सीईओ की कार ने उसकी बेटी को टक्कर मार दी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में तनु को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। इसके बाद 27 दिसंबर को बैजनाथ बेटी के इलाज के लिए पैसे लेने गांव गया था। गांव से वापस लौटते समय शाम करीब 5 बजे ग्राम महुआ झाला के समीप अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिस कारण से वह भी घायल हो गया। अब दोनों पिता पुत्री इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बैजनाथ जी, कहाँ से हैं आप? एरोरा से। कौन सा थाना लगता? थाना लगता है बिजावर। कहाँ जा रहे थे, कैसे क्या एक्सीडेंट हो गया आपका? श्रीमान जी, 25 तारीख को सीओ साहब की गाड़ी से सॉरी का एक्सीडेंट हो गया था। अरहर काट के आ रहे थे बच्चों के साथ में, बच्चे तो वहाँ से आ रहे थे, एक्सीडेंट मान लो सीओ साहब की गाड़ी से हो गया। तो वहाँ 2 दिन भर्ती रहे। सीओ साहब से बोले बात भाई, बोले हम भाई जो कुछ दवाई में लगेंगे पैसे देंगे, और आप घबरा मत, और अभी जो खर्चा लगा ले लो, हमने अभी कुछ नहीं दिया भाई, और जो हमारी बेटी ठीक करा दो पहले, और जो आपको बाद में देना है देना। फिर भी मेरे को संतोष नहीं आया, जो 2 दिन में बेटी मोना बोली ना, बेटी ने आके खोली, तो मैं गांव गया। मैंने चलो खेती बाड़ी देख के आऊँ, कुछ पैसे पैसों की जुगाड़ करके आऊँ, ठीक है। यहाँ से गया, वहाँ से दिन भर घूमता रहा, पैसे मिले जो नहीं मिले, नहीं मिले नहीं मिले। और मान लो राहर खेत जो देख के आया, और आ रहा था, मैंने सोचा छोटी दीदी के यहाँ से और निकलता जाऊँगा, कुछ पैसे और मिल जाएँ। तो यहाँ से मगवा झाल तक नहीं पहुँच पाया, और वहाँ आगे 2 मोड़ पर गाड़ी आ रही थी, तो मैंने वो गाड़ियों का बचाव किया, मैं खुद खाई में जाके गिर गया, तो मेरे सिर में चोट आ। कितने बजे की घटना है? शाम के 5:30 बजे की घटना है। फिर अस्पताल आया? हाँ, फिर अस्पताल में एम्बुलेंस आई। कौन था आपके साथ में? अकेला ही था मैं सर। आप कैसे थे? हाँ जी, आप कैसे थे? गाड़ी से था मैं अपनी।